प्रज्ञा की मदद करने के लिए रणवीर कहेगा कि हमें मोहरत को ही ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें दोबारा आ सकती है लेकिन मोहरत दोबारा नहीं आ सकती, जिस वजह से इस शादी नहीं हो पाएगी। इसी बीच प्रज्ञा और रणवीर बातचीत करेंगे, जहां प्रज्ञा साफ साफ सवाल करेगी और कहेगी कि मेरी दोनों ही बेटियां हैं, मैं चाहती हूं मेरी दोनों बेटियां ही खुश रहे, लेकिन मैं तुम्हारा फ़ैसला भी सुनना चाहती हूं कि तुम किससे प्यार करते हो। जहाँ एक तरफ रणवीर की आंखें कुछ और बोलेंगी और जुबान कुछ और बोलेंगी, जिसे प्रज्ञा समझ जाएगी कि रणवीर जो कुछ भी कर रहा है वो मजबूरी में कर रहा है। हालांकि वो उस बात को वहीं काट देगी क्योंकि उसके लिए सबसे पहले अभी और तनु की शादी रोकनी होगी। पर प्रज्ञा कैसे अपनी बेटियों को इंसाफ दिलवाएगी और किसका प्यार कैसे मुकम्मल होगा, ये देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग। आगे की डिटेल जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।